हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अब लोग को तो देख पता चल ही गया था, अम्बेल देख के कहाँ जा रही हूँ मैं, पूरी जा रही हूँ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी शालीमार स्टेशन, ये शालीमार स्टेशन है। तो हम लोग का जो ट्रेन का टाइम था वो 9:15 को था, तो हम लोग 8:30 हम लोग पहुँच गए थे। ये हम लोग का ट्रेन आ चुका है। हम लोग का जो ट्रेन का नंबर था वो 12821 था, एंड ट्रेन का जो नाम था वो धौली एक्सप्रेस था, जो शालीमार से छोड़ता है। शालीमार से दो ही ट्रेन छोड़ता है, एक धौली एक्सप्रेस एंड श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस, जहाँ पर बैठ के हम लोग जाएंगे। 8 घंटा ऐसे बैठ के जाएंगे। तो हम लोग का जो कॉस्ट पड़ा था ट्रेन का वो 190 पड़ा था, एंड बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली मैं तो पूरी पहुँच गई हूँ 8 घंटे के बाद। हम लोग का जो 9:15 को टाइम दिया था तो 9:30 छोड़ा था, एंड 6 बजे पूरी पहुँचा दिया था ये धौली एक्सप्रेस। अच्छा था ट्रेन, कंफर्टेबल जर्नी था। तो फिलहाल मैं इधर से निकल के अब गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन से निकल के बाहर के ओर आ चुके हैं। इधर आप लोग देख पा रहे कितना भीड़ है, बहुत क्राउड है, एंड इधर ऊपर में पूरी लिखा हुआ है। इधर बहुत सारा रेट बोलता है अलग अलग, बट आप लोग बार्गेनिंग थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि इधर टोटो भी चलते हैं, ऑटो की तरह, और एक तो कार भी है, एंड रिक्शा बस सब कुछ ऐसे अवेलेबल है। जैसे शेयरेबल कार में हम थे फैमिली, तो हम लोग का जो कॉस्ट पड़ा था वो 180 पड़ा था, 35 रुपीज़ करके पर पर्सन। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं स्वर्गो द्वार बीच। इधर दो ही फेमस बीच है, एंड स्वर्गो द्वार सी बीच एंड गोल्डन बीच। सब होटल है और सी बीच के एकदम सामने, और गली में भी बहुत सारे होटल है आसपास। स्वर्गो द्वार जो सी बीच है उसका सामने बहुत सारा आपको होटल मिल जाएगा, कम से हाई तक। एंड आप लोग आ रहे हैं तो एक महीने पहले होटल बुक कर लीजिएगा, क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं रहते हैं समर के टाइम पे स्पेशली। एंड हम लोग का तो रूम अवेलेबल था, इसीलिए हम लोग बुक करके आए थे। तो ये स्टैचू आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्टैचू है। ये सब भी होटल है, हम लोग का जो होटल था। एंड हम लोग अभी ये हम लोग का जो होटल है इसका जो प्राइस है ये पर नाइट 700 करके पड़ा था। हम लोग 4 दिन रहे थे तो 2800 पड़ा था। ये एक आंला दिया हुआ है, एंड एक ही रूम में डबल बेड है और नॉन एसी है रूम, एंड वॉशरूम भी बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग जल्दी जल्दी खा पी के सो गए थे, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी उठना था। एंड ये आप लोग को देखने को मिला जुपिटर, ये इधर गंगूराम है, गंगूराम स्वीट्स है, इधर हैंडलूम गार्डन है, और उधर ही हम लोग का पूरा होटल है। और अब लोग जब निकलेंगे ना सुबह, तो इधर ऑटो भी रहते हैं मंदिर जाने के लिए, तो 20 रुपीज़ करके लेता है एक एक जन का। तो अब लोग इधर से लेके अब लोग डायरेक्ट मंदिर के ओर जा सकते हैं। एंड इधर नीचे जाके हम लोग का सी बीच है, तो इधर भी मार्केट बैठते हैं शाम को टाइम पे। तो थोड़ा सा चाय पी के हम लोग गए थे मंदिर के ओर। ये फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर। गाइस आप लोग चारों देख पा रहे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर रिक्शा भी आते हैं। हम लोग पीछे से गेट से आ रहे हैं, पीछे से रास्ता से एक्चुअली आ रहे हैं, फ्रंट की तरफ हम लोग जाएंगे। और मंदिर आने का एकदम बेस्ट टाइम है वो 5:30 बजे से 5 बजे के अंदर आप लोग पहुंच जाइएगा, क्योंकि 6 बजे से मंदिर ओपन होता है, रात का 9 बजे तक खुला रहता है। एंड ये जो धुआं आप लोग को देखने को मिल रहा है इधर ऊपर उठ के आरती करता है, तो ये सीन हम लोग को मिस हो गया था। और आप लोग पूरा मतलब प्रभु का सामने जाना चाहते हैं, तो इधर बहुत सारा पांडा लोग रहते हैं। उन लोग अलग अलग चार्ज बोलता है, 1,000, 2,000, 3,000। लोग एकदम प्रभु का सामने आप लोग को लेके चले जाएगा, क्योंकि पहले था उसका मौका, अभी बहुत दूर से दर्शन करने का मौका मिलता है। तो प्रसाद आप लोग बाहर से भी ले सकते हैं, अंदर भी है। एंड एकदम ऑपोजिट में 2 लॉकर है, लॉकर रूम, उधर सबका सब कुछ सामान रख के आप लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। एंड कोई चमड़ा का चमड़ा का कोई सामान अलाउ नहीं रहता है। जो लोग जेंट्स लोग हैं वो लोग बेल्ट ओपन मतलब साइड पे रख के आप लोग जा सकते हैं। तो अभी तो हम लोग को तो बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन किए थे, दूर से दर्शन किए थे, क्योंकि सामने जाने के लिए अलग चर्च रहता है, वो पांडव लोग लेके जाते हैं एकदम प्रभु का सामने। गाइस अंदर बहुत सारा मंदिर है, मतलब मंदिर के अंदर भी, एंड उधर भोग भी मिलते हैं प्रभु का, उधर से आप लोग भोग भी लेके आ सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी रहता है, ज़रूर लीजिएगा। और इसका ये व्यू आप लोग मज़ा लीजिए एंड मंदिर का अच्छे से दर्शन कर लीजिए। गाइस इधर से सीधा निकल के हम लोग चले जाएंगे पूरी स्वीट्स दुकान पे। इस दुकान पे आए थे हम लोग कचौड़ी खाने। प्लेट था 20 रुपीस, चार तो पूरी एंड सब्जी देता है। वो वाइन शॉप का एकदम बगल में था, बहुत ही टेस्टी खाना है। रसगुल्ला हमें अलग से लिए थे, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाय गाइस, मैं जल्दी जल्दी चेंज वेंज करके निकल चुकी हूँ बीच की तरफ। प्रभु जी का दर्शन भी हो गए, अब ब्रेकफास्ट भी कर लिए थे, अभी सी बीच जाएंगे एंड जाके बात करते। देखिए व्यू, एंड ये है सुबह का व्यू। ये पूरा ये सब पूरा दुकान है, और ये पूरा एक्चुअली मार्केट है बीच का ऊपर। एंड ये मार्केट ओपन होता है शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। एंड रोड साइड भी बहुत मार्केट बैठता है, आप लोग जब शाम को आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। বাবা যাবো কি করে গাইস, মেরা চপ্পল পুরো জল গে, মেরা পাও ভি জল গা, চপ্পল ভি পুরা। गाइस ये उड़ीसा का फेमस स्ट्रीट फूड है। ये एक्चुअली इधर बहुत लोग ब्रेकफास्ट करते हैं आके बीच में आके। इधर आइसक्रीम ही मिलता है, बहुत सारा दुकान खुला, दुकान पानी का दुकान। एंड अब लोग देख पा रहे कितना भीड़। अरे इधर संघ का दुकान है, अलग अलग प्राइस का है ये सब। एंड इधर बहुत लोग छतरी लेके ना भाड़ा लेके बैठता है, वो देख पा रहे अब दूर दूर तक सब लोग बैठे हैं चेयर वेयर लेके। अरे ये कैमल, कैमल का मैं रेट बता देती हूँ पहले। इसका जो रेट है, अब एक जन उठेगा तो 100 रुपया, दो जन उठेंगे तो 150 रुपया चार्ज है। एंड इधर फोटो भी बहुत अंकल लोग खींच देते हैं, संग संग दे देते हैं वो लोग 20 रुपीज़ करके। जैसे साइज बढ़ेगा उस हिसाब से वो लोग प्राइस लेता है। एंड अब लोग इधर चेयर भाड़ा लेके भी बैठ सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो पर आवर एक मतलब 100 रुपया करके। एक घंटा बैठेंगे तो 100 रुपया, दो घंटा बैठेंगे तो 200 रुपया। हम लोग दो घंटे इस व्यू का अब मज़ा लीजिए। मैं अभी चलती हूँ नहाने। गाइस अभी शाम को 6:30-7 बज रहा है। अभी हम निकल चुके हैं बाहर के और रोड पे आए हैं। तो इधर जो शॉप आपको देखने को मिल रहा है श्री शंकर टैक्सी सेंटर, इधर से भी आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं कहाँ कहाँ आपको घूमना है कहाँ पर। और इधर से पूरी टू कोलकाता का भी बस छोड़ता है। तो इधर से वो लोग जो जहाँ पर लेके जाते हैं वो है खंडोगिरी, नंदनकानन, उदयगिरी, कोणार्क, मुक्तेश्वर, धौलीगिरी, ये सब जगह में वो लोग एक्सप्लोर कराता है। दुकान का मैं नंबर दे दूँगी। एंड थोड़ा सा इधर देखिए स्ट्रीट फूड सब बैठा है। इधर झालमुड़ी है, उधर सिलीगुड़ी मोमो है। मैं जहाँ से मोमो खाई थी, ये TIBS मोमो दुकान, बहुत ही टेस्टी था ये मोमो। 50 रुपीज़ प्लेट था, 6 पीस रहते हैं, बट बहुत ही टेस्टी था। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं मछली भी खाई थी, वो सब भी आगे जा के आपको देखने को मिलेगा। एंड ये चटनी भी बहुत ही टेस्ट। अभी भी मेरा जी मुँह में पानी आ रहा है। ये मायोनेज दिया हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा काला मिर्च एंड थोड़ा सा सॉल्ट वो छिड़क के हमको दे रहे, सर्व कर रहे वो। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। एंड ये मार्केट आप लोग देखिए। गाइस देखिए ऊपर से कितना सुंदर लगता है मार्केट, पूरा बीच के ऊपर ही है मार्केट। अब मॉनसून में आएगा तो ये सब दुकान नहीं ओपन रहेगा क्योंकि बारिश पड़ता है इसलिए।
तो बहुत सारा इधर से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं रिजनेबल प्राइस पे। वो लोग हाई प्राइस बोलेगा, आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिएगा आप लोग। एंड रोड साइड पे भी है बहुत सारा दुकान। अभी जाए এগুলো কিরকম দাম আছে? কোনটা নেবে বলো তুমি? সব আলাদা আলাদা বলা আছে, সব আলাদা আলাদা প্রাইস। এই কত করে কোনটা দাম একটু বলো না। এটা 100 টাকা করে, এটা 100 টাকা, এটা 150, এটা 150, এটা আছে 400 টাকা, এটা আছে 100, এটা 300 টাকা আছে। চিংড়ি? চিংড়ি আছে 10 টাকা, 100, 8 টাকা, 6 টাকা আছে। আচ্ছা, আর এটা এটা তোমার সুরমাই? এটা সুরমাই। পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা বিক্রি করে। বড় স্কুইড আছে 9 টাকা বেতন রেট আছে। চিকেন, ওটা কি চিকেন পকোড়া? ওটা কি চিংড়ি পকোড়া? চিকেন পকোড়া, চিকেন পকোড়া কত? 100 টাকায় 10 পিস। আর লোক শুনে হে কোন কোন ফিস কা কেসা প্রাইস হে ও সব বাতা দিয়ে ও লোক। আর আপ লোক জো খানা চাতে ইধার ও লোক ফ্রেশ করকে কাট কে ফ্রেশ করকে ধোকে ও লোক দে দেতে হে উধার ফ্রাই করকে হে। তো চায় কা দোকান হে উধার বাচ্চা লোক কে লিয়ে থোড়া সা ও মিকি মাউস হে। ইধার সব হোটেল হে, সব লোক এসে হি বেঠে রহতে হে শাম কে টাইম পে। বহুত আচ্ছা লাগতে হে, আপ লোক জরুরি আইয়ে। ইয়ে ভি একটু দোকান হে, ও ভি একটু দোকান, সব অলগ অলগ হি সব হে, প্রাইস অলগ অলগ হে সব কা। তো ইধার থোড়া সা কম হমকো রেট মে মিলা থা, ইসলিয়ে হম আয়ে থে। था मेरा डे वन का सफ़र, सो अमेजिंग था मेरा डे वन। एंड आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा 500 क्रॉस कर दीजिए गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये थोड़ा बच्चे लोग के लिए फ्रॉक है, 1 से 12 साल का बच्चा लोग के लिए, 100 से 200 का अंदर है, सबका प्राइस अलग अलग है। एंड ये थोड़ा मैं फिश खाई थी, ये पॉम्पलेट माछ है, ये 100 रुपया लिया था, वो बड़ा वाला चिंगड़ी था वो 100 रुपया लिया था, 200 में मेरा हो गया। एंड ये पूरा जो वीडियो आप लोग देखे पूरा बजट फ्रेंडली है, टूर प्लानिंग है पूरी। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल। And thanks for watching my video. Bye bye. जल्दी से जल्दी मैंने 500 क्रॉस कर दीजिए। I love you all. Take care. Bye bye guys.